हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अनसाल पेपर चल रहा था, रसायन विज्ञान 2023 का पेपर कोड है 347 CF। आज इस वीडियो में चौथे का नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने क्वेश्चन थे सबको सॉल्व करवा दिया था हमने। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग के इस ईयर सिलेबस में नहीं है, उसको मैं नहीं करा रहा हूँ, वही करा रहा हूँ क्वेश्चन जो आप लोग के पेपर में आने वाला होगा। तो चलिए इस वीडियो में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं सभी लोग। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण लिखिए। और यहाँ पर एनआई डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सांद्रता 0.01 मोल दिया हुआ है। और यहाँ पर जो ये दो चीना खींचा हो गया है इसको कहते हैं लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज है और यहाँ पर सी यू डबल पॉजिटिव का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोल और सी यू डबल पॉजिटिव सी यू में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे सेल अपक्रिया। सेल अपक्रिया क्या होगा, ये है सेल अपक्रिया। और इसमें लिखना क्या है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि उपरोक्त सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई सेल का मान दिया हो 0.59 वोल्ट हो तो सेल के लिए मानक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इसे कहते हैं विद्युत वाहक बल, ई जीरो सेल की गणना कीजिए। इसमें ई जीरो सेल का मान निकालना और नर्स समीकरण लिखना है इस अभिक्रिया के लिए। तो हम जानते हैं नर्स समीकरण होता है ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपान एन होता है और लॉग कंसंट्रेशन एनोड का कंसंट्रेशन अपान कैथोड का कंसंट्रेशन, ये लिखेंगे। ये होता है नर्स समीकरण, लेकिन ये इस अभिक्रिया के लिए लिखना है। तो यहाँ पर हम एन का वैल्यू निकालेंगे। आप देख रहे हैं एन का वैल्यू कैसे आता है, इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं एन का वैल्यू कैसे आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एन आई जो है एन आई डबल पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का क्या दिख रहा है, चेंजिंग दिख रहा है एन आई। और यहाँ पर सी यू डबल पॉजिटिव से सी यू में कन्वर्ट हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग होती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, वही यहाँ पर एन का वैल्यू होता है। तो चेंजिंग कितनी हो रही है, दो की। तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, टू आएगी। ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर इसमें सभी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो एन की जगह पर हम कितने लिखेंगे, अगेन इसको लिखेंगे 591 अपॉन टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। एनोड का कंसंट्रेशन, एनोड क्या होगा इसमें ये समझेंगे। अगर किसी मतलब जो भी धातु लेंगे उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर एनआई का क्या हो रहा है, एनआई डबल पॉजिटिव, मतलब अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट किसी एलिमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। तो आप देख रहे हैं एनआई से एनआई डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एनआई डबल पॉजिटिव और कैथोड इसका अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैथोड पर जो होता है वो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कंसंट्रेशन Cu, यही है इस अभिक्रिया के लिए नर्नस्ट समीकरण। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आगे दिया हुआ यदि ई सेल का मान इतना दिया हो तो ई जीरो सेल का मान ज्ञात करना। तो इसी के आगे हम इसका सोल्यूशन देखेंगे इसी समीकरण से। तो इसमें ई सेल का मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, तो इसी का वैल्यू डायरेक्ट मैं इसमें रख दे रहा हूँ। कितना दिया हुआ है, 0.59 दिया हुआ इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन टू लॉग। यहाँ पर एनआई का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है आप देख रहे हैं एनआई डबल पॉजिटिव का, वो दिया हुआ है 0.01 मोल। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.01
वन मोल, ये हो गया। और सी यू का दिया हुआ है यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.1 मोल दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है 0.59 इक्वल टू ई जीरो, इसी की वैल्यू हमको निकालना है, ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपान यहाँ हो जाएगा 2। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव को गायब करेंगे। दशमलव गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो दशमलव गायब हो जाएगा, 1 बचेगा ऊपर और नीचे ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हो जाएगा ये log 1/10 हो जाएगा। और इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लिख दें तो लिखेंगे 10^1 लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो 10^-1 हो जाएगा। और इसको आगे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, log 10 का मान कितना आता है, 1 आता है। तो इसको आगे मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा 0.59 इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे -1, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, log 10^-1 ये आ गया, -1 हो जाएगा, log 10 का मान होता है 1 होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, log 10^1 होता है 1। और -1 को गुणा करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आ गया 0.59 इक्वल टू ई जीरो सेल, और ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.0591/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.02955, इसको डिवाइड करने पर आएगा। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 0.59-0.02955 इक्वल टू ई जीरो सेल हो जाएगा। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे लिखेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.560 ई जीरो सेल। तो इसका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, एक बार मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया था 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए नाश समीकरण लिखना था, और सेल अभिक्रिया ये दिया हुआ था, और यहाँ पर यदि मतलब कह रहा है ई सेल का मान इतना दिया हुआ है तो ई जीरो सेल का मान ज्ञात करना था, और पहले इसके लिए नाश समीकरण लिखना था तो मैंने सेल अभिक्रिया लिख दिया, ये सेल अभिक्रिया लिख दिया। उसके बाद नाश समीकरण आप जानते हैं, ई सेल बराबर होता है ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपन ये लॉग कंसंट्रेशन, एनोड का कंसंट्रेशन अपन कैथोड का कंसंट्रेशन ये होता है। और इस सेल के लिए यहाँ पर ये जो एन का मान आया वो 2 इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग हो रहा था, इसलिए हमने एन बराबर 2 रख दिया, इसलिए यहाँ पर 2 रख दिया गया। और यहाँ पर एनोड, यहाँ पर एनआई से एनआई डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है एनोड पर आप जानते हैं, तो यहाँ पर एनोड का कंसंट्रेशन एनआई लिख दिया। और यहाँ पर इस पर होता है जो सी यू डबल पॉजिटिव से यहाँ हो रहा है रिडक्शन, और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है, तो यहाँ कैथोड का कंसंट्रेशन लिख दिया। तो ये जो हमारा बना है ये है नष्ट समीकरण इस अभिक्रिया के लिए। और आगे इसे मैं न्यूमेरिकल दिया था कि ई सेल का मान इतना दिया हो तो ई जीरो सेल का मान ज्ञात कीजिए, तो इसी समीकरण में हमने ई सेल का मान रख दिया ये, और इसमें एन का मान ये रख दिया, और इसको सॉल्व किया गया, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन दिया था तो हमने रख दिया, और यहाँ पर इसका सी डबल पॉजिटिव का कंसंट्रेशन दिया था तो यहाँ रख दिया। आगे इसमें दशमलव हटाने के लिए मैंने सबसे गुणा कराया तो नीचे 10 बच गया, पावर को ऊपर लगे तो माइनस हो गया, और लॉग 10 का मान 1 होता है, और ये पावर आगे आया तो माइनस से गुणा हो गया, -1 से गुणा हुआ दोनों प्लस हो गया, इसको डिवाइड किया गया तो इतना आ गया, और ये इससे इतने में से घटा लिया गया, तो आंसर कितना आया, ई जीरो से इक्वल टू 0.5650 वोल्ट। ये बोल्ट इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सोल्यूशन। आप लोग पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।